स्टार्टिंग जब वॉर हुआ था तब मैं यहीं पे था। फिर वॉर के बाद जब वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद मैं वापस इंडिया गया था, और कुछ महीने रहने के बाद मैं नवंबर में वापस आ गया था यहाँ पे। तो उस समय मैं अपने ग्रुप का इकलौता स्टूडेंट था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मौका मिला यहाँ पर, क्योंकि मेरा सर्जरी का साइकिल चल रहा था। तो मैं महीने भर तक हॉस्पिटल के अंदर ही रहता था, दिन में 4 सर्जरी 5 सर्जरी 6 सर्जरी में मैं असिस्ट करता था अपने टीचर्स को, और डे नाइट वहीं पर रहता था। और कौन लोग आते थे? मोस्टली जो वुंडेड होते थे ओडिशा रीजन के या फिर अदर रीजन्स के, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है कीव में स्पेशली, तो मोस्टली वुंडेड सोल्जर्स आते थे। किसी को लेप्रोटोमी करना होता था या किसी के सीवियर इन्फेक्शन है तो वो लोग आते थे स्पेशली। तो इन कामों में चैलेंजेस आपको नज़र नहीं आई? बिल्कुल आती थी चैलेंजेस, बिकॉज उस समय 2022 में तो बहुत ज़्यादा एयर अलर्ट्स रहते थे, और डेली बेसिस पे अटैक्स भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो स्पेशली मैं भी हॉस्पिटल्स में इसलिए रहता था क्योंकि वहाँ सेफ़ था, वहाँ बंकर पहले से थे, और अंडरग्राउंड मोस्टली जो डॉक्टर्स का रूम है तो अंडरग्राउंड था, तो इसीलिए मैं वहाँ पे रहता था। और रहता था चैलेंजेस, जैसे फूड का शॉर्टेज भी था तब, और साथ ही साथ डेली बेसिस पे जो अटैक्स हो रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि अगर अटैक हो रहा है तो वो आपके पूरे दिल और सब कुछ को हिला देगा एक साथ ही, ठीक है। जैसे दिन में 4 बार 5 बार वो हम लाइव देखते थे, जो चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते वो हम लाइव देखते थे। सामने हमारे जैसे रॉकेट्स आ रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल या फिर शहीद ड्रोन आ रहे हैं, तो हमारे सामने फूटते थे। रात को भी हम लोग सही से सो नहीं पाते थे कि कब अटैक हो जाए, तो ये बहुत चैलेंजिंग फेज था हमारे लिए। उसी के बीच में फिर पढ़ाई भी करना, और घर वालों का भी स्ट्रेस रहता था कि कल को कुछ बच्चे को हो जाए। यूक्रेन में लगभग मुझे 6 साल हो गए हैं, मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई है, अब मैं आगे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ पे स्पेशली जो हम लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेंगे स्पेशली जो टीथ के डेंटिस्ट जो होते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो नॉर्मल जो सर्जन है या फिर जो नॉर्मल मेडिसिन स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे बहुत कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे और डॉक्टर्स की ज़रूरत हो सकती है। तो आपको लगता है कि एक कम्युनिटी को एड्रेस करना इस वक्त जब देश जंग में है वो चैलेंजेस बड़ा हो जाता है? बिल्कुल बड़ा हो जाता है। देखिए सबसे मेन चीज़ ये है कि ये लोग इन चीज़ों को काफ़ी टाइम से फेस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वॉर 2014 में पहले हुआ, अब 2022 में दोबारा स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली जो चीज़ें देखने को मिलती है वो यही है कि ये लोग, इन लोगों की लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, और उस चैलेंजिंग लाइफ को भी ये एक मतलब नॉर्मल वे में उसको जीना चाहते हैं, बट इन लोगों को फिर भी मतलब गवर्नमेंट की साइड से या फिर जैसे भी देखा जाए कि मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है, बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन फिर भी लाइफ बहुत चैलेंजिंग है इन लोगों की। आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग जैसे ज़्यादातर कोशिश करते हैं, जैसे स्पेशली पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे इंडियन स्पेशली 2022 से पहले यहाँ पे 18,000 स्टूडेंट्स थे, तो हम इनको इकोनॉमी भी सपोर्ट करते हैं इस कंट्री को काफ़ी स्पेश, और फिर उसके बाद में हम लोग कोशिश करते हैं कि लोकल्स में, मान लीजिए लोकल्स में कोई भी इंसान हमें अगर मिलता है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। जैसे मेरा जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर है, तो हम लोग चाहते हैं कि उनको एटलीस्ट उनको एक ऐसी नॉलेज दे सकें कि वो अपना ट्रीटमेंट खुद से भी कर सके।